एक्साइटमेंट और बहुत खुशी की बात है। मैंने जब गदर 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या होप्स रखी हैं, तो मैंने कहा था कि गदर दुगना होगा, गदर चौगुना हो जाएगा ये नहीं पता था, मतलब डबल ट्रिपल 4, 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। आगे उम्मीद और है कि अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं, गॉड इज़ काइंड। मुझे लगता है जब शोले बनी होगी, मुगले आज़म बनी होगी, या बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं, या गदर 1 भी बनी पहले बनी होगी, तो सोचा नहीं गया होगा कि इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये वही यही चीज़ जो है गदर 2 के साथ भी हो रही है। मुझे भी समझ में नहीं आया, और बेस्ट नेगेटिव अवार्ड अभी हालांकि 14 दिन हुए हैं, 14 डेज, आज 15वां दिन है, और अभी से मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच फिल्मी शॉर्ट्स एंड फिल्म इंडियन फिल्म हिस्ट्री, राज जी, अनीता जी एंड एवरीबॉडी। क्या कहूँ, इतने तो करोड़ कमा रहे हैं, और ये जो लोगों के सबके आपका जो प्यार मिल रहा है ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। इंडियन फिल्म हिस्ट्री को मैं धन्यवाद कहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको इस मंच पर बुलाया सम्मानित करने के लिए, मेरी कला के लिए, जो आपने देखा होगा मेरी लेटेस्ट वेब सीरीज़ में। एकता कपूर जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया एक अद्भुत किरदार निभाने का। आपको आज की शाम अवार्ड मिल रहा है, तो लेकर कितना बेस्ट मोमेंट होता है जब आपके काम को लोग आपकी सीरीज सराहते हैं? जी, बड़ा अच्छा लगता है जब हमें जाना जाता है हमारे काम के लिए, जब हमें सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है, जब कहा जाता है कि हम एक बहुत अच्छे गायक हैं या अदाकारा हैं या लेखक हैं, तो ये जो प्रशंसा हमें मिलती है उससे हमें गति मिलती है, हमें बल मिलता है कि हम और बेहतर काम करें, और प्रोत्साहन मिलता है जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फॉर ऑल ऑफ यू टू बी कमिंग, इस शाम के बारे में मैं क्या अर्ज करूं, ये तो आप लोग ही फरमाइश करेंगे कि आज की शाम कितनी अच्छी थी, वो तो आपको बयान करना है। मैं अपनी शाम के बारे में कैसे बोलूं, क्या बोलूं? फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड डेफिनेटली। आई मस्ट से कि महेश का भी काफ़ी अच्छा साथ रहा, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और आने वाले थे, मंच थोड़ा सा खाली रह गया, थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मेहनत साकार हुई, शाम बहुत खूबसूरत बनी। प्राउड ऑफ व्हाट आवर फादर एंड हर हस्बैंड हैज क्रिएटेड। आई थिंक इट्स अ प्लेटफॉर्म विच इज़ फॉर न्यू टैलेंट, बडिंग टैलेंट टू शो, उनका काम दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आगे जाएगा और बहुत सारे अच्छे नए टैलेंट उभर के आएंगे, और अवार्ड्स इज़ अ ग्रेट वे टू अप्रिशिएट, लोगों का टैलेंट अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, एंड अगले साल आप और नए कलाकार और अच्छे मूवीज़ देख पाओगे। मुझे आज अंदर किसी ने बोला कि आप ये जो कर रहे हैं इससे जो लोग फांसी का फंदा डालना चाहते हैं ना, आप उनको बचा रहे हो, बिकॉज आज हम बॉलीवुड स्टार्स को तो हमेशा देखते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, बट बड़ी फिल्में कहना और आसान है जहाँ लाखों करोड़ों के बजट्स होते हैं। एक शॉर्ट फिल्म बनाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क जब कोई न्यू कमर स्टार्ट कर रहे हैं। सो यस, दिस इज़ अ फेस्टिवल फॉर ऑल दोज न्यू कमर्स। आप आइए और जुड़िए, नेक्स्ट सीजन हम और ज़्यादा फिल्म देखेंगे। मैंने सब फिल्म्स देखी, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बहुत बढ़िया थी, आई मीन इतना दिल को छूने वाली फिल्म्स थी, बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम वी गेट मोर एंट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ। अवार्ड, सो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, दिस इज़ आर फर्स्ट फिल्म। थैंक यू रमेश सीपी सर एंड मैम, किरण मैन, टू बिलीव इन माई स्टोरी एंड गिव अस अ चांस टू डू एंड माई एक्ट्रेस। It was when I was selected as an actor in the film, you know, I was unable to believe also ki yaar mujhe he selected, he believed in me,
and the way he guided us and my co-actors as well. Entire shooting day, पता भी नहीं चलता था कि कब shoot खत्म हो गया and बहुत मज़ा आया. And the concept, जो concept है ना वो मेरा favorite है. मेरे को story बहुत पसंद आई. तो as an actor मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे chance मिल गया करने का and it was amazing. था because of Mumbai's traffic. लेकिन फिर भी जहाँ तक कि मैंने देखा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा इवेंट था, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ मतलब बताने के लिए था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया उसको बताने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट इवेंट ख़त्म होने वाला था. सबको आप सबको मेरी तरफ से हेलो इवनिंग गुड इवनिंग एंड कैसा काय तुम्ही एंड केम छो हाउ आर यू एवरीथिंग. सो बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे शॉर्ट फिल्म जो है मतलब रिलीज़ की जाती है, दिखाई जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, तो अच्छा लगता है. और थैंक यू सो मच यहाँ मुझे बुलाने के लिए. हाँ, आज जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है दीवा का, तो आई एम सो ऑनर टू बी दिस अवार्ड एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड वेरी सून माई मूवी ऑल्सो कमिंग बिकॉज इन लाइक बॉलीवुड में तो अभी बिगनिंग होना बाकी है बट साउथ में बिगनिंग हो चुकी है. सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर अगेन. फिल्म हिस्ट्री अवार्ड है इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम सब के लिए, जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं उन सब के लिए मायने रखता है और हमारे लिए प्रेशियस भी है बिकॉज आप जब काम करते हो और आपको जब बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है और इतने इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है. नहीं मम्मा सी इट इज़ ऑलवेज़ एक्साइटेड जब काम का अप्रिसिएशन होता है और अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलकर यू नो मेहनत कर कर इस मुकाम तक पहुँचते हैं जब आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाए. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. यस यस बहुत एक्साइटेड हूँ. एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आई कीप ऑन डूइंग वेब सीरीज म्यूजिक वीडियोज़ एंड ऑल. ऑल्ट बालाजी से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है गंदी बात सीजन 4 से. देन फॉलोड बाई लॉट ऑफ वेब सीरीज आई डिड. संजय कपूर सर के साथ रिसेंटली आई डिड अ शॉर्टम मूवी दैट इज़ हाउस ऑफ लाइज. इट्स ऑल्सो OTT मूवी. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि ऐसे अवार्ड दिया जाए लोगों को, आर्टिस्ट को. थैंक्स कि आपने ये फिल्म को रिकग्नाइज किया, एक ऐसे सब्जेक्ट को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे एक तो फिल्में मैंने तो एक ही मराठी फिल्म देखी है, नितल करके एक सिनेमा आया था, और हर्षा नहीं होती तो ये फिल्म नहीं बनती. तो ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू हर्षा क्योंकि विटिलिगो पे फिल्म बनाना और उस टॉपिक पे बात करना, जितने भी कहे कि हम 21 सेंचुरीज में है और हम रह रहे हैं लेकिन लोग आज भी उस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं करते. एक्चुअली ये पहली बार मेरा अवार्ड है और वो भी विटिलिगो के बारे में. और सबसे ज़्यादा तो नैना का मैं शुक्रिया अदा करूँगी बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर नाउ. मैं नॉन एक्टर हूँ बट ये जो सब्जेक्ट है जैसे उन्होंने बोला, सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सीरियस था बिकॉज हमारे जैसे लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इसीलिए इतना अच्छा सब्जेक्ट लोगों तक लाया उसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू नैना और टीम. एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस के लिए आई हैव बीन नॉमिनेटेड एंड इट्स अ यू नो ह्यूज ऑनर फॉर मी कि ऑफकोर्स बेस्ट एक्ट्रेस हैज बीन ऑलवेज माई ड्रीम एंड टुडे आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर दैट. तो बहुत एक्साइटेड हूँ और ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा. एक्साइटेड हूँ आज के बारे में, इंडियन फिल्म के बारे में, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग एंड आई एम रियली प्रिविलेज टू गेट अ अवार्ड टुडे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. कहीं भी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है एंड एज अ फिल्म एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड नाउ प्रोड्यूसर ऑल्सो. सो आई फील लाइक इट्स अ गुड एंड वेरी गुड प्रेस्टीज टू हैंडल सम अवार्ड्स. एंड शॉर्ट फिल्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हैं, तो सब लोग जब मिल के एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, आई गेस इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई गेस ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री में. सो आई फील It's very good honor to part of this ceremony and I'm बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. ऐसा शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फिल्म्स में, बड़ी फिल्में, बड़े सितारों,
सबको अवार्ड तो दिया जाता है, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि छोटी फिल्म और छोटे फिल्म बनाने वाले, शॉर्ट फिल्म में काम करने वाले सभी को आज अवार्ड देके एक प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसा एक बोला जाता है ना कि बड़ों को तो सबको ही पहुँचे, छोटे का कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ईशरानी जी ने और महेश जी ने जो कोशिश किया है, दैट इज़ अ वंडरफुल। एंड ही समबडी जो मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो बोलते कम है करते ज़्यादा हैं, राजी उनमें से एक हैं। वो बोलते बहुत कम है और हमेशा उन्होंने ही इज़ ऑलवेज एक्सीडेड हिज एक्सपेक्टेशंस एंड आई फील व्हाट ही इज पुट हियर इट्स एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस अगेन। मुझे नहीं लगा था कि पहला साल होगा और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज।